तो फिलहाल अभी हम हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में और आज एक ऐसी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं जो ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही साथ एक वक्त पे देश की सबसे तेज ट्रेन हुआ करती थी। जी हाँ, सही समझे हैं, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस की। और आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि आज मुंबई राजधानी 50 साल की हो चुकी है, तो व्लॉग के साथ साथ आपको इस राजधानी के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। पर उससे पहले आइए देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। शाम को दिल्ली से होगा प्रस्थान, रास्ते भर होता रहेगा खान पान, रफ्तार की कैद में जब खुलेंगे दरवाजे तो सैर पे निकलेंगे सभी मेहमान। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, फिर किस बात का है गुमान। सुबह की चाय पीते कुछ पुराने गीत गुनगुनाते पहुंच जाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने पटना तेज राजधानी का व्लॉग देखा है ना, तो ये व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि ये है मुंबई राजधानी। और जब भी बात आती है मुंबई राजधानी की ना, तो एक अलग ही क्लास नज़र आता है सामने। उसके साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवेज की प्राइड कह लो आप, इंडियन रेलवेज की प्राइड कह लो आप, वाकई में ये बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए फिलहाल आज की जर्नी जो है वो मुंबई तेजस राजधानी में होने वाली है। मैंने सुना है कि मुंबई राजधानी का जो इंटीरियर है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, चलिए आज देख लेते हैं। और ये है हमारा फर्स्ट क्लास जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेन का इंटीरियर जो है वो कैसा, बिल्कुल अनकट होने वाला है ये। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आइए थोड़ा बात करते हैं मुंबई राजधानी के बारे में। 1969, ये वो दौर था जब भारत की पहली राजधानी हावड़ा राजधानी की शुरुआत हुई थी, जो कि उस वक्त की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी। इसकी सफलता के बाद 1972 को एक और नई राजधानी न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए शुरू हुई, मुंबई राजधानी। फिर जल्दी ही मुंबई राजधानी बन गई भारत की सबसे तेज ट्रेन। पर फिर भोपाल शताब्दी के आने के बाद ये ताज इसके सर से छिन गया। शुरुआत में इसमें WDM-2 एल्को लोकोमोटिव इस्तेमाल होते थे, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद WAP-1 इस्तेमाल होने लगे। पर मुंबई में DC ओवरहेड का वायर बिछा हुआ था, इस कारण से वडोदरा से ही से WDM-2 मुंबई तक ले आता था। फिर WDM-2 की जगह 1993 से WCM-2 इसे मुंबई तक ले जाने लगे। फिर दौर बदला और नए WP-4 और फिर आधुनिक WP-7 लोकोमोटिव इसमें इस्तेमाल होना शुरू हो गए। 2003 में नए LHB कोचेज और अब इसमें नए आधुनिक तेजस रेक्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन ने अपने 50 साल का सफर जो है वो पूरा कर लिया है। तब से लेकर आज तक न जाने कितने बदलाव हुए इस ट्रेन में, पर इस ट्रेन की बादशाहत भारतीय रेलवे ट्रैक पर हमेशा बनी रही। तो चलिए इसी ऐतिहासिक राजधानी में आज अपना सफर शुरू करते हैं। और कुछ लोग खड़े हैं। बाकी सबसे पहली चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पे खूबसूरत कारपेट जो है वो लगाया गया, जो कि पटना तेजस राजधानी में नहीं था और वाकई में ये खूबसूरत लग रहा है। इंटीरियर तो वाकई अच्छा लग रहा है सिर्फ इस रेड कारपेट से। This train is from New Delhi to Mumbai Central. So, welcome to Mumbai Rajdhani Express. चलिए आज हम ट्रैवल कर रहे हैं कूप में। और बहुत लोग पूछते हो कि भाई आपको कूप जो है वो कैसे मिल जाता है, तो सिंपल चीज़ है, आपको कूप के लिए ऑप्ट करना पड़ता है और अगर कूप अवेलेबल होता है तो आपको कूप मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको कूप मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फिलहाल ये जो है ये हमारा कूप है और यहाँ की जो बिल्डिंग्स है, यहाँ की जो लिनन कुछ अलग लग रही है। कलर देखो, नॉर्मली वाइट होता है पर यहाँ पे ब्लू जो है वो दिया गया और ऊपर हमारी बेडशीट्स। इंटीरियर वाकई में काफ़ी अच्छा है। कर्टन जो है वो थोड़े से अलग लग रहे हैं मुझे, नॉर्मली ब्राउन कलर के कर्टन्स होते हैं लेकिन इसमें आपको ये पता नहीं इसको ब्लू बोलोगे क्या बोलोगे, उसको ब्लू बोलें ग्रीन बोलें समझ नहीं आ रहा, पर हाँ कुछ ऐसे कलर के जो कर्टन्स हैं वो लगे होते हैं, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा मिरर और एक बड़ी सी विंडो और ये प्राइवेट कूप आपके लिए। और इसमें आप करीब करीब 1700 किलोमीटर की जर्नी जो है वो करने वाले हैं। दोस्तों मैं जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ ये एक प्रीमियम ट्रेन है और इसके टिकट की कॉस्ट अराउंड 5000 रुपीज़ है। और आप लोग अक्सर पूछते हो कि आप इतने हायर क्लास में टिकट जो है वो कैसे मैनेज करते हो, तो सबसे पहली बात ये है कि मेरी कुछ सेविंग्स है और अब मैं उन सेविंग्स को ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो रिटर्न है
उससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इन हायर क्लास में। दोस्तों यूं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म्स सेफ और इजी नहीं होते। लेकिन बात करें capital.com की तो ये सेफ है, इजी है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे मैं CFD ट्रेडिंग कर सकता हूँ, US स्टॉक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में। सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रैवल करते हुए भी ट्रेडिंग जो है वो मैं कर सकता हूँ। ये ऐप मुझे 4000 पॉपुलर ग्लोबल मार्केट का एक्सेस देती है, जहाँ पे मैं CFD ट्रेड कर सकता हूँ स्टॉक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसीज में। सबसे बेस्ट पार्ट इस ऐप का ये है कि ये बहुत ही इजी टू यूज है और यहाँ पे मिनटों में आप साइन अप कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने फंड डिपॉजिट कर सकते हैं डॉलर्स, यूरोज, GBP, RUB में, बिल्कुल बैंक ट्रांसफर और कार्ड के हेल्प से। ये ऐप बहुत ही सेफ है और ब्रोकर चूजर एक वेल नोन ब्रोकर कंपेरिजन साइट है जो कि इस ऐप को सेकेंड प्लेस पे रखती है फ्री ट्रेडिंग में, थर्ड प्लेस पे रखती है CFD ट्रेडिंग में और फिफ्थ प्लेस पे रखती है बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो ये ऐप बहुत ही सेफ है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए, साइन अप करिए, टॉप अप करिए और उसके बाद से ट्रेडिंग शुरू करिए। और एक और चीज़ है कि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों हो सकते हैं, तो स्मार्टली ट्रेड करिएगा। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे लॉस होने का जो पोटेंशियल साइज है वो लिमिटेड है आपके डिपॉजिट साइज से, तो बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की बात नहीं है। बस आप स्मार्टली ट्रेड करिए और स्मार्टली ट्रेड करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इस ऐप में दिए गए लेटेस्ट इकोनॉमिक न्यूज़। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए, ट्रेड करिए, अलग अलग जर्नी जो है वो करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। CFD ट्रेडिंग इज अ रिस्की एक्टिविटी एंड कैन ब्रिंग नॉट ओनली प्रॉफिट बट आल्सो लॉसेस। द साइज ऑफ द पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ डिपॉजिट। पास्ट प्रॉफिट डू नॉट गारंटी फ्यूचर प्रॉफिट्स। चलिए डिपार्चर का संकेत जो है वो तो हो चुका है और डिपार्चर हो भी गया, गेट्स बंद होने वाले हैं। अच्छा डिपार्चर तो हो गया पर रूट के बारे में जब तक खबर ना हो तब तक सफ़र का मज़ा नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि आज का रूट क्या होने वाला है। तो हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से निकल चुकी है, फिर कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत होते हुए सुबह मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी। तो ट्रेन में ऑनबोर्ड होते ही यात्रियों के लिए पानी और चाय देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बकायदा हमसे डिनर और ब्रेकफास्ट के बारे में बड़े तसल्ली से पूछा गया और अभी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। और थोड़ी और दूर निकलते ही फरीदाबाद में लेजेंडरी पश्चिम एक्सप्रेस का ओवरटेक भी हो गया। चलो तो अभी यहाँ पे फरीदाबाद पे पश्चिम एक्सप्रेस का ओवरटेक हुआ, उसके साथ ही अपना जो टी है वो आ चुका है। तो इस राजधानी का जो टी है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी कटलेट को टेस्ट करते हुए देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। कटलेट का टेस्ट तो अच्छा है पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कच्चा है ये, बाकी टेस्ट अच्छा है। स्टफिंग काफ़ी बढ़िया है, अलग अलग तरह का जो वेजिटेबल्स है उसका इसमें स्टफिंग जो है वो किया गया, इसलिए टेस्ट अच्छा है। बाकी सैंडविच नॉर्मल चीज़ सैंडविच है, इसका क्या ही टेस्ट करूँ मैं। फ्रूट जूस सबने पिया होगा, सेम टेस्ट। और ये सोहन केक जो है वो ऑलमोस्ट हर राजधानी में आपको मिल जाता है। चलिए खाना पीना तो चलता ही रहेगा क्योंकि एंड तक जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी। इनफैक्ट इस ट्रेन में आपको सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो भी मिलने वाला है। बाकी एक चीज़ है, एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि मैंने सिया राजधानी में यात्रा की थी और इवन त्रिवेंद्रम राजधानी में यात्रा की हुई है। सभी में वेलकम जो होता है ना वो थोड़ा कुछ अलग होता है। जैसे उसमें क्या होता है कि गुलाब फूल जो है वो मिलते हैं, मतलब अच्छा लगता है देख करके कि चलो आप किसी हायर क्लास में ट्रैवल करो। लेकिन मैंने देखा है कि भाई ना मुझे पटना तेज मिला और ना ही मुंबई राजधानी मिला। किराया ज़्यादा ले रहे हैं ना तेजस का, इसलिए गुलाब गए। हाँ मतलब लेकिन इसका तो और अच्छा होना चाहिए ना, मतलब इसमें तो और ज़्यादा अच्छे से देना चाहिए कि हाँ ये आप हमारे बहुत ही प्रीमियम पैसेंजर हो, आपने 500 रुपये खर्च किए तो भाई कम से कम ये 5 रुपये का फूल जो है ये आप रख लो। तो ये चीज़ हमें नहीं मिली है। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। बस ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगी बाकी के राजधानियों की तुलना में। नॉर्मली होता ये है कि राजधानी में ना देखा है मैंने कि डिप चाय जो है वो ज़्यादा दी जाती है, पर आज हमने स्पेशली बोला कि अगर हो सके तो चाय बनी बनाई अगर दे दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो आप तो इतना तो आपका हक बनता है कि आप एक अच्छी चाय जो है वो पियो। तो चाय आज की बहुत ही अच्छी है और फिलहाल अभी जस्ट हमारी ट्रेन पलवल को स्किप की और बस कुछ ही समय में मथुरा पहुंच जाएंगे हम। लेकिन ट्रेन मथुरा नहीं रुकने वाली, सीधा कोटा में रुकने वाली है। चलिए इस खूबसूरत शाम में
इस अच्छी चाय को एंजॉय करते हैं। सूरज ढलने को था और इसी बड़ी और साफ खिड़की से सनसेट देखने का मज़ा दोगुना हो जाता है। राजधानी है तो सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और आज लगता है स्पीडोमीटर की जरूरत है वो नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस डिजिटल बोर्ड पर देखने को मिल जाती है। कृपया कोच में मदिरा का सेवन ना करें, कौन करता है वैसे। और अगला स्टेशन जो है वो कोटा जंक्शन है, इसकी दूरी 375 किलोमीटर और है, और ये डिस्टेंस जो है ना वो नॉन स्टॉप ट्रेन चलने वाली है। सच बोलूं तो अपने कूप के अंदर से यहाँ गैलरी में बैठ करके सनसेट देखने का आनंद ज़्यादा आ रहा है। वैसे भी सनसेट इसी साइड देखने को मिलेगा तो यहीं बैठ गया। ट्रेन मथुरा पहुँचने वाली थी और भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस भी हमें रास्ते में मिल गई। मुझे तो इस गैलरी में बैठ कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुला हुआ लग रहा है। फिलहाल अभी जो है वो हम स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन को, और सिर्फ ये ट्रेन नहीं बल्कि बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन्स हैं जो कि मथुरा जंक्शन को स्किप करती हैं। और अभी अगस्त क्रांति राजधानी भी जो है वो भी आने वाली, लेकिन उसका स्टॉप है यहाँ पर, वो ट्रेन यहाँ पर रुकती है। बहुत ही खूबसूरत शाम हो रही है और सनसेट के साथ मैं यहाँ बैठ करके ना नज़ारों को देख रहा हूँ यहाँ से। ये हुआ मथुरा स्किप, और अब यहाँ से हम निकल जाएंगे भरतपुर की तरफ, और आगे कोटा हमारा स्टॉप होने वाला है। और इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में जो ट्रैक है वो निकल जाती है आगरा की तरफ, और आगे ग्वालियर, फिर भोपाल। मथुरा का स्लो स्किप के बाद भरतपुर का तेज स्किप देखने को मिला। करीब 115 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में इस स्टेशन को हमने स्किप किया। तो अपना सूप जो है वो आ चुका है, और ये सूप जो है ये ट्रेन के अंदर नहीं बना है, मतलब पैंट्री के अंदर नहीं बना है। इसको नॉर्मल जो नॉर का सूप होता है बिल्कुल बस उसी को ला करके बना दिया गया। सूप तो अच्छा है, लेकिन चीज़ है कि और भी राजधानी ट्रेन है जिनमें सूप जो है वो फ्रेश बिल्कुल पेंट्री कार के अंदर तैयार होता है, और बहुत ही अच्छे से तैयार होता है। सूरज ढल चुका था और मानो ट्रेन इस मध्यम उजाले के रहते ही कोटा पहुंचने की चाहत से 130 की रफ्तार में भाग रही थी। और हमारा डिनर जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि सवाई माधोपुर का स्किप और डिनर बिल्कुल एक साथ होने वाला है। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं सवाई माधोपुर को, और मैं आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। आप ये पहले स्किप देखिए। सवाई माधोपुर का स्किप, और एक और चीज़, हमने करीब 354 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। और वक्त की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 घंटे 5 मिनट जो हैं वो लगे हैं। तो करीब 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ज़्यादा हमारी ट्रेन ने एवरेज स्पीड जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये बहुत ही मज़े की बात है। फर्स्ट क्लास की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे डिनर आपको गर्मा गर्म आपकी थाली में सर्व हो जाता है। दाल तो मैंने टेस्ट कर ली, दाल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गर्म है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। नॉर्मली आपको रेस्टोरेंट में ऐसे टेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर वाकई में खाना ये बहुत अच्छा है। और डिनर के बाद बारी थी कुछ मीठा खाने की, और मैंने उठाई अपनी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम। और इस रात के अंधेरे में फ़िलहाल कितना खूबसूरत चांद जो है वो दिख रहा है आपको। और अभी हम चंबल रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और पहुँचने वाले हैं कोटा जंक्शन। तो फाइनली कोटा में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है, और अब गेट खुलने वाले हैं, इसको देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। तो करीब 9:27 पे हम कोटा जंक्शन पहुंच चुके हैं। और हाँ, एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हो रही है कोटा में, मतलब कमाल की बात है। इस विंडो से अराइवल लेने का एक अलग ही मज़ा है, मतलब गेट पे
गेट तो वैसे खुलने नहीं वाले हैं, जब ट्रेन रुकेगी फिर ही गेट खुलेगा। चलिए बाहर चलते हैं और लाइट जो है ऑन करते हैं, और इसका अराइवल जो है वो आपको थोड़ा सा, क्योंकि गेट्स जो हैं वो खुलने वाले हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन। करीब 460 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है वो हमने कवर किया है मात्र 4 घंटे 35 मिनट में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो बात कहूँगा मैं कि ट्रेन बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती है 130 की रफ्तार में, और जो लोग फर्स्ट क्लास में अपने पेट्स के साथ सफ़र कर रहे हैं उनको मौका मिला है अपने पेट्स को थोड़ा सा टहलाने के लिए। बाकी यहाँ हॉल्ट तो 5 मिनट का है, लेकिन डर सा लगता है कि गेट्स जो हैं वो ना बंद हो जाएँ। कि फ़िलहाल अभी हमने करीब 460 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है, और बात करें वक्त की तो करीब 4 घंटे 35 मिनट का वक्त लगा है, और एवरेज स्पीड की बात करें तो वो अराउंड 101-102 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है यार। मतलब 100 किलोमीटर की एवरेज स्पीड मेंटेन कर पाना इंडियन रेलवे में आसान तो नहीं है, लेकिन राजधानी है तो कुछ ही मुमकिन नहीं है। और कोटा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप मथुरा, गुना, चित्तौड़गढ़ और जिस तरफ से हम अभी आ रहे हैं यानी कि नागदा की तरफ से लाइन्स आई हुई हैं। और एक चीज़ है कि मुझे इस तेजस राजधानी में ना ये वाला पैटर्न जो है बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का सा यहाँ पे ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देती है इसको। और मुझे पर्सनली ऐसे कोचेस जो है ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं तेजस में। तो अभी भी करीब 2 मिनट का वक्त जो है बचा हुआ हमारे पास, लेकिन हम अंदर आ चुके हैं क्योंकि सामने येलो सिग्नल जो है वो हो चुका है। तो रिस्क नहीं लेने का इस ट्रेन में, बस किसी भी वक्त गेट जो है वो क्लोज हो जाएंगे। चलो अपना डिपार्चर जो है वो कोटा जंक्शन से हो चुका है। यार कोटा के बाद ना एक बहुत ही बढ़िया घाट सेक्शन आता है, पर वो घाट सेक्शन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि रात बहुत हो जाएगी, और वैसे भी गेट खुले हो या बंद वो घाट सेक्शन रात के वक्त में तो नहीं देखने को मिलेगा। तो खूबसूरत रात थी और नींद तो नहीं आ रही थी, तो गाने सुनते चांद को निहारते ही वक्त कट रहा था। चीज़ है कि आंखों में नींद आपको ज़रूर से दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आने वाला होता है ना तुरंत लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और बाहर ये देखते हैं कि कौन सा स्टेशन जो है वो क्रॉस हो रहा है। हालांकि अभी 11:40 हो रहे हैं और बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं नागदा जंक्शन। चलिए पहुँच चुके हैं नागदा जंक्शन, और आदत से बिल्कुल मजबूर गेट के पास आ गया मैं। बिल्कुल जाग रहे हम सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से हम चाहते हैं कि नागदा स्टेशन को कैप्चर करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शान स्टेशन है। चलिए पहुँच चुके हैं नागदा जंक्शन, और यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है जिसमें से 3 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट बचेंगे ना वो मैं गेट पे खड़े रह के बोलूँगा, क्योंकि रिस्क अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है। खैर बात करें नागदा जंक्शन की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है उज्जैन देवास की तरफ, बस इसीलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। एक लाइन जो है वो आती है हमारी पीछे यानी कि कोटा की तरफ से, और आगे हम निकल जाएंगे रतलाम की तरफ से। तो ये 3 लाइनें आकर के मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए नागदा को जंक्शन बोलते हैं। बड़ा ही शान सा स्टेशन है ये, बड़ा स्टेशन है लेकिन अभी देखो तो बिल्कुल शांति छाई हुई है, बहुत ही कम लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और नागदा में जो गाड़ियाँ कोटा की तरफ से आती है जिनको उज्जैन इंदौर तरफ जाना होता है उनका यहाँ पे रिवर्सल होता है, जैसे कि हमारा रणथंभौर एक्सप्रेस का हुआ था। हालांकि वो जर्नी मैंने ऑलरेडी की हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी रात में करीब आधी रात में 12 किसी भी स्टेशन पर खड़े होकर के बैठ करके काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन डर भी लगता है अगर आप इस ऑटोमेटिक डोर वाली राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो। तो
कोच की लाइटें हमने इसलिए बंद कर दी क्योंकि रतलाम जो है बस पहुंचने वाले हैं, एक बजने वाले हैं, सब लोग सो चुके हैं, बस हम लोग जगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ये रतलाम लास्ट स्टेशन जो है उसको कैप्चर करने के लिए। तो आंख में नींद लिए रतलाम जंक्शन का बोर्ड थोड़ा धुंधला दिख रहा था, पर ये आज का आखिरी स्टेशन था जो आपको दिखाना था। तो ये जो है ना लास्ट स्टेशन होने वाला आज का, और ये डे टू जो है वो शुरू हो चुका है। तो आधी रात हो चुकी है, फिर भी स्टेशन पे चहल पहल बनी हुई है। तो सिर्फ यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं गेट के बाहर नहीं आने वाला। बाकी बात करें रतलाम की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है, और सामने अगर आप देखो तो एक और तेजस एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। अब ये कौन सी है, और मैं कैसे भूल गया कि ये अपनी ही मुंबई राजधानी है जो मुंबई की तरफ से आ रही है। चलिए अपना भी डिपार्चर जो है बस अब यहाँ से होने वाला है। गेट हो गया है पूरी तरह से लॉक्ड, और मैं आपसे बात कर ही रहा था रतलाम के बारे में कि इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं। तो रतलाम को जंक्शन इसलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है नागदा की तरफ, एक लाइन जो है वो यहाँ से निकल जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ, और एक लाइन जो कि बहुत ही नई लाइन बनी है वो सीधा यहाँ से आपको इंदौर की तरफ ले जाती है वाया फतेहाबाद। तो इसलिए रतलाम को जंक्शन बोलते हैं। और चलिए यहाँ से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है, और रतलाम पहुँचते पहुँचते हमने करीब 732 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। और टाइम बात करें टाइम की ना, तो 7 घंटे 30 मिनट का वक्त लगा हमें यहाँ पहुँचने में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और अगर सच में यार अगर ऐसे ही एवरेज स्पीड मेंटेन करके सारी गाड़ियाँ चले ना, तो हमारी इंडियन रेलवेज बड़ी कमाल की हो जाएगी यार। देखिए देखिए ये जो हॉकिंग होती है ना, ये बताती है कि चेन पुलिंग हुई है, और किसी ने चेन पुल किया है, शायद किसी की ट्रेन जो है वो छूट रही होगी, कोई चढ़ नहीं पाया होगा। चलिए बेडिंग कंपनी लगा दी हमने, और रतलाम से डिपार्चर भी हो चुका है। अब कुछ भी नहीं है करने को, सीधा सुबह आपसे मिलते हैं करीब 7 बजे करीब, जब हम मुंबई पहुंचने वाले होंगे। बाकी अब आराम करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये फर्स्ट क्लास की बहुत ही चौड़ी सीट मिलती है, तो सोने में मज़ा आता है यहाँ पे यार। और रेलवे जो है वो हमें इन सब के साथ छोटी सी हैंड टॉवल जो है वो भी देता है, और पता नहीं एसी तो उतनी अच्छी चल नहीं, लेकिन फिर भी इतनी मोटी जो रजाई बोल सकते हैं उसका, कंबल क्या बोलें, मोटी सी रजाई है ये दी हुई है, तो उसका यूज़ तो नहीं करेंगे, पर हाँ एक पतली सी कंबल ज़रूर से, छोटी सी चादर है ये, ओढ़ के सोते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहुंच चुके हैं वापी, और नींद खुली नहीं, जबरदस्ती खोली गई, मतलब सो रहा था, उसके बाद से भैया है और चाय के लिए उन्होंने उठाया। चाय जो है वो आ चुकी है हमारी, चाय आ चुकी है हमारी, और बिल्कुल सूरज जो है वो निकलना शुरू हुआ है। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, थोड़ा जल्दी आ गया, सुबह उठे तो तुरंत चाय आ गई, और जैसे ही चाय ख़त्म हुई अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया। ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है आपको, ब्राउन ब्रेड, और उसके साथ आपको जैम और बटर दोनों चीज़ मिल जाती है, बनाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस ट्रेन में 2 ऑप्शन मिलते हैं वेज में, एक तो कटलेट और पोहा, लेकिन हमने दोनों चीज़ें मंगा ली ताकि दोनों चीज़ टेस्ट करके आपको बता पाएँ कि इस राजधानी का ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा है। तो मुंबई पहुँचने वाले हैं, और मुंबई को बॉलीवुड के नगरी बोलते हैं, और यहाँ आते ही ना पुराने गाने आ जाते हैं मेरे को, छूकर मेरे मन को, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। और यहाँ WCM 3, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि
कि पहले WCM 2 लोकोमोटिव ही इस राजधानी को खींचा करते थे। ये लोकोमोटिव मुंबई कर के लिए एक लोकोमोटिव नहीं बल्कि एक इमोशन है। और सुबह सुबह स्नान करने का मन हुआ और राजधानी में नहाने के लिए साफ सुथरा वॉशरूम बना हुआ है। सफर शुरू हुआ था दिल्ली से और आखिरकार अपने गंतव्य मुंबई सेंट्रल पहुंच चुके हैं। ये 1380 किलोमीटर का फासला कब खत्म हुआ इसका एहसास तक नहीं हुआ। तो फाइनली करीब 1386 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हमने तय कर लिया है दिल्ली से मुंबई तक का। और ये सफ़र तय करने में हमारी ट्रेन ने अराउंड 15 घंटे 40 मिनट का वक्त लिया है। ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं हुई, यहाँ पे करीब 2 मिनट बिफोर टाइम पहुँच गई थी ट्रेन। और ये देखिए, ये ट्रेन अब शाम को अगस्त क्रांति राजधानी बन के चलेगी। इसके लिए इसका बोर्ड जो है वो चेंज किया जा रहा है। चलो फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। बात के रिव्यू की ना, तो रिव्यू तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब खाना भी काफ़ी बढ़िया था, कंफर्ट भी काफ़ी बढ़िया था। बाकी हम ऐसा सत्या भाई ट्रैवल कर ही रहे थे, आपको कैसा लगा इसका पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल? मतलब टाइम से आ गई है, मतलब 1400 किलोमीटर समय से ले आई, लगभग 15 घंटे में ऑलमोस्ट। हिसाब से स्पीड के हिसाब से तो सही में अच्छी गाड़ी है। और बस डोर नहीं खुले, पहले मुझे लगता था कि यार डोर नहीं खुल रहा, बुरा लग रहा है, पर सच बात बता रहा हूँ, पसीना भी नहीं आया, धूल बिल्कुल नहीं आ रही ना, एकदम साफ सुथरे, नहाने का मन नहीं आ रहा, पहुँच गए, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। चलो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, इंस्टा